हेलो गाइज, अगर आप लोगों ने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो या तो आप एक ट्रेडर हो या फिर आप एक ट्रेडर बनना चाहते हो। वेल, अगर आप इन दोनों में से कुछ भी करना चाहते हो या फिर आप कर रहे हो ऑलरेडी, तो आप लोगों के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ट्रेडिंग का जो कैंडलस्टिक का पैटर्न से कैंडलस्टिक ये जो चार्ट बना है ये किसने बनाया और ट्रेडिंग के जो कैंडल्स है ये किस तरह से बने, तो वो सब जानेंगे हम इस वीडियो के अंदर। एंड गाइस, बहुत ज़्यादा डीपली इसमें नॉलेज मिलने वाली है आप लोगों को। आपको भी लगेगा इस वीडियो से आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई है जो आज तक शायद यूट्यूब पे किसी ने नहीं बताया। सबसे पहले हम जानते हैं कैंडल्स की हिस्ट्री क्या है। तो सन 1700 के दशक में जापान में चावल की ट्रेडिंग होती थी। जी हाँ, सन 1700 के दशक में आपसे 300 साल पुरानी ये बात है। उस वक्त वहाँ पर एक व्यापारी हुआ करते थे मुरेहिसा होमा, जो कि चावलों का निवेश करते थे और उन्होंने देखा कि चावलों की जो कीमतें हैं वो अपनी मनमानी से नहीं चलती। उन्होंने इसमें अपना विचार लगाया और देखा कि इसमें जो पैटर्न है वो आज तक कोई समझ नहीं पाया। और हर दिन उन्होंने चावलों के प्राइस को नोट किया, कहाँ से मार्केट ओपन होती है, कहाँ पर मार्केट क्लोज होती है, वो सारे प्राइस नोट करने लगे। और साथ में उन्होंने ये भी नोट किया कि उस दिन में जो हाई प्राइस था चावलों का वो कितने रुपए पर बिका और जो लो प्राइस था वो कितना गया। यहीं से निजात हुआ एक पैटर्न। और जब वो हर रोज इस चीज को नोट करने लगे तो उन्होंने देखा कीमतें एक पैटर्न के अनुरूप चल रही है। यहीं से जन्म होता है एक चार्ट का जिसको उन्होंने नाम दिया कैंडलस्टिक पैटर्न्स। शुरुआत में उन्होंने दो कैंडल्स को निजात किया, एक बुलिश कैंडल्स और दूसरी होती है हमारी बेयरिश कैंडल्स। मुनेरिशा होमा ने कैंडलस्टिक का नाम मोमबत्ती के ऊपर रखा और उन्होंने इन दोनों कैंडल्स को दो कलर में विभाजित किया, बुलिश कैंडल्स को व्हाइट कलर में, बेयरिश कैंडल्स को ब्लैक कलर में। उन्होंने दोनों कैंडल का जो कलर रखा वो शतरंज के कलर के हिसाब से रखा। और ये भी माना जाता है कि कैंडलस्टिक का निजात करने के बाद वो बहुत अमीर हुए, उन्होंने बहुत सारा पैसा कमाया इन चार्ट्स के अकॉर्डिंग ही, और इसलिए उन्हें फादर ऑफ कैंडलस्टिक भी कहा जाता है। और कुछ ही वर्षों में वो पूरे जापान में फैल गई और सबसे लोकप्रिय प्रणाली बनी। और शुरुआत में इसकी स्टार्टिंग जापानीज लैंग्वेज में ही हुई थी। कुछ वर्षों के बाद अमेरिका के एक सज्जन पुरुष जिनका नाम था स्टीव निसान, उन्होंने अपने एक जापानी दोस्त की मदद से इस प्रणाली का इंग्लिश लैंग्वेज में अनुवाद किया, जो कि अपने आप में एक इतिहास बना। उसके बाद इस बुक को नाम दिया गया कैंडलस्टिक चार्टिंग बाई स्टीव निसान। और इसके साथ उन्होंने कैंडल्स के रंग में भी परिवर्तन कर दिया, व्हाइट कैंडल को ग्रीन कैंडल और ब्लैक कैंडल को रेड कैंडल से रिप्रेजेंट कर दिया। उसके बाद ये कैंडल पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गई और आज आप लोग देखते हो कि जो भी इनको अच्छे से सीखता है, अच्छे से यूज़ करता है, वो लाखों से पैसा कमाता है। तो अगर आप लोग भी इसको अच्छे से सीखना चाहते हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज तो हमने वीडियो में जाना कि ये स्टार्टिंग कैसे हुई थी, लेकिन आने वाली वीडियोस के अंदर हम देखेंगे किस तरह से इसमें पैटर्न्स बनते हैं, किस तरह से आप उन पैटर्न्स की मदद से पैसा बना सकते हो, कौन सी कैंडल से हमें ये पता चलेगा प्राइस ऊपर जाने वाला है या फिर प्राइस नीचे जाने वाला है, कितने प्रकार के होते हैं कैंडल। नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बने रहना। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।